विधानसभा चुनाव में ओबीसी पर वार पलटवार, पीएम मोदी बोले कांग्रेस ने नहीं दिया आरक्षण, राहुल गांधी ने घेरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विधानसभा चुनाव के बीच अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार जारी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार 13 नवंबर को कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण के लिए सरकार में रहने के दौरान कुछ नहीं किया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जाति जनगणना की मांग करते हुए कहा कि पता लगना चाहिए है कि देश में ओबीसी वर्ग की कितनी आबादी है। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के महासमुंद में कहा, आपको कांग्रेस की मानसिकता को पहचानना होगा, ये वही कांग्रेस है जिसने पंचायत से संसद तक सरकारी चलाई, लोगों ने उन्हें सरकार चलाने का अवसर दिया लेकिन ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं दिया। ये वही कांग्रेस है जिसने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। ये वही कांग्रेस है जिसने मेडिकल कॉलेज में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया। राजीव गांधी का किया जिक्र, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी समाज का अपमान किया। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो कांग्रेस ने कई वर्षों तक उसे दबा कर रखा। राजीव गांधी ने मंडल कमीशन को लागू करने का विरोध किया। 70 साल तक पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी, राहुल गांधी ने क्या कहा। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में रैली करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि देश में ओबीसी वर्ग की आबादी कितनी है। ओबीसी अफसर 100 रुपए में से 33 पैसे का निर्णय लेते हैं और अगर इनकी आबादी 0.33% है तो ठीक है, लेकिन ओबीसी की आबादी तो 50% है। ऐसे में मैंने संसद में पीएम मोदी से कहा कि जाति जनगणना कर लीजिए, इससे साफ हो जाएगा और पता लग जाएगा कि देश में कितने जनरल ओबीसी और दलित हैं। उन्होंने कहा, पीएम मोदी भाषण में कहते हैं कि हिंदुस्तान में जाति नहीं सिर्फ गरीब हैं। जाति जनगणना की बात पीएम मोदी के मुंह से नहीं निकलती। देश में कांग्रेस की सरकार आने पर जाति जनगणना होगी, सबको मालूम होना चाहिए कि उनकी कितनी आबादी है। तो मैं जानना चाहता हूं इस देश में ओबीसी वर्ग की आबादी कितनी है, यह जानना चाहता हूं मैं। क्योंकि अगर ओबीसी अफसर 100 रुपए में से 33 पैसे का निर्णय ले रहा है और अगर आबादी 0.33% है ओबीसी की तो ठीक है, मगर मैं जानता हूं कि ओबीसी वर्ग की आबादी कम से कम 50% है। अब जैसे ही मैंने नरेंद्र मोदी जी से कहा पार्लियामेंट में कि भैया एक काम कीजिए, ये जाति जनगणना कर लीजिए, इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब पता लग जाएगा देश में कितने पिछड़े लोग हैं, कितने जनरल हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने दलित हैं। उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भैया भाषण में कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, हिंदुस्तान में सिर्फ गरीब है। और जनगणना की बात, जाति जनगणना की बात नरेंद्र मोदी जी के मुंह से नहीं निकलती। तो मैं आपको यहां गारंटी देना चाहता हूं कि जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली में आएगी, नेशनल लेवल का जाति जनगणना हम करके दे देंगे और मध्य प्रदेश में जैसे ही सरकार आएगी जाति जनगणना का काम हम मध्य प्रदेश में शुरू कर देंगे। सबको मालूम होना चाहिए कि उनकी आबादी कितनी है और बजट पर, सरकार पर उनका कितना हक बनता है, उनकी कितनी भागीदारी होनी चाहिए और यह काम हम गारंटी करके पूरा कर देंगे। पीएम मोदी ने क्या कहा था। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में हाल ही में रैली करते हुए कहा था, कांग्रेस ने एक अलग राग अलापना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जितनी आबादी उतना हक है, मैं कहता हूं कि इस देश में अगर कोई सबसे बड़ी आबादी है तो वो है गरीबी की। इस कारण मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब ही सबसे बड़ी जाति है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर हमले करते हुए कह रहे हैं कि ये समाज को बांट रहे हैं। वहीं कांग्रेस केंद्र सरकार पर निशाना साधती हुई कह रही है जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हाल ही में राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी ने ओबीसी समाज के लिए कुछ नहीं किया है। बता दें कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और मिजोरम में विधानसभा चुनाव है।
इसमें से मिजोरम की सभी सीटों और छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर पहले चरण में चुनाव हो चुका है। इन सभी राज्यों में हुए इलेक्शन का परिणाम 3 दिसंबर को आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।